समाज के युवक युवतियों को अपने जीवन साथी की तलाश में ज्यादा भटकना न पड़े, इसी उम्मीद के साथ राजपूत परिषद जिला इंदौर द्वारा परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस परिचय सम्मेलन में न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश भर से युवक युवतियां शामिल होकर अपना जीवन साथी तलाशते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। रविवार को इंदौर में राजपूत परिषद जिला इंदौर द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से युवक युवती शामिल हुए। सम्मेलन में कई युवक युवतियां हिचकिचाते हुए तो कई बेबाक तरीके से मंच से अपना परिचय देते नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के कई वरिष्ठ नागरिकों एवं राजपूत परिषद के कई जिलों के अध्यक्षों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही विधायक रमेश मेंदोला भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। परिषद एक कार्य और हमारे अध्यक्ष और कार्यकारिणी की एक सोच आज बड़ा उत्साह। हमारे बेटे भी हमारी बेटियां भी विवाह उम्र में आ गए हैं, इस पे आप जो भी समाज के उत्थान के लिए समाज के भविष्य के लिए अगर हम राजपूत परिषद को ये सहकार्य करती है स्वागत करती है। और जो बेटे बेटिया परिचय के लिए ले गए हैं वे मंच पर आकर पूरी निर्भीकता के साथ। सम्मेलन के अध्यक्ष राम सिंह दीक्षित ने बताया कि राजपूत परिषद द्वारा यह 15वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। राजपूत युवा युवती परिचय सम्मेलन में कम से 1050 परिष्टियाँ प्राप्त हुई है पूरे प्रदेश से और गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, सब दूर से लोग यहाँ युवा युवती को, परिवार को, लड़का लड़कियों को लेके आए हुए हैं। ये परिचय सम्मेलन का 15वां वर्ष है, इसमें 15 साल पूरे हो गए हैं ये परिचय सम्मेलन को। अब इसमें क्या है, 50 से 55 रिश्ते तय होने की संभावना है। इसमें उद्देश्य तो ये रहता है कि एक मंच पे सब समाज इकट्ठा होता है, क्योंकि क्या है, हर घर हर इंसान समाज से एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और यहाँ जो परिचय सम्मेलन के माध्यम से करीब करीब 10,000 लोग इकट्ठे होते हैं। वो माता बहनें आती हैं और यहाँ बच्चियों को पसंद करती हैं, वो बच्चे को लड़कियों को पसंद करते हैं, तो उसमें रिश्ते पूरे पूरे तरीके से बनने की संभावना रहती है। बता दें कि इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, मुंबई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश भर से युवक युवती अपने जीवन साथी की तलाश में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।